स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ कंटेंट एनालिसिस इन प्रीवियस मड्यूल वी स्टडीड द फोर अप्रोचेस ऑफ द कंटेंट एनालिसिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ कंटेंट अनिस द नीड ऑफ दिस मॉडल इज बेसिकली दैट कि आप जो है जब कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली फोकस होते हैं मैसेज के ऊपर जिसको हम कंटेंट कहते हैं आ, आप उसकी जो सरकमस्टांसिस हैं उसको स्टडी नहीं करते आ, तो ये इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ कंटेंट एनालिसिस ये कहता है कि वी नीड टू स्टडी द एक्स्ट्रा मैसेज वेरिएबल्स एज वेल यानी एक मैसेज जो आ, जो आप रिसीव कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है उसका मीडियम क्या है उसको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है और फिर उसका रिसीवर कौन है एक जनरल पब्लिक है एक पॉलिसी मेकर है या कौन है उसका रिसीवर तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट इंटीग्रेट स्टडीज ऑफ़ मीडिया सोर्सेज मैसेज ऑडियंस एंड मीडिया इफेक्ट्स ऑन ऑडियंस देर इज़ नीड टू डिवेलप इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ कंटेंट एनालिसिस दिस मॉडल इज इन प्ले विद कॉन्टेंट अनिस डेटा और फाइंडिंग्स अबाउट मैसेज आर लिंक विद डेटा और फाइंडिंग फ्रामी स्टडीज ऑफ सोर्स एंड रिसीवर्स तो ये बेसिकली जो इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ कंटेंट अन दिस मॉडल इज बेसिकली यूज इन मीडिया स्टडीज वाई बिकॉज इन मीडिया स्टडीज वेन एवर वी टॉक अबाउट द कॉन्टेंट द मैसेज वी डिलीवर टू द ऑडियंस तो हम उसकी सोर्स की भी बात करते हैं कि ये मैसेज Uh, जो डिलीवर करने वाला सोर्स क्या है फिर उसको कैसे डिलीवर किया जा रहा है और फिर उसका रिसीवर क्या सो इन इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ कंटेंट एनालिसिस इज द इम्पेरिकल और लॉजिकल लिंकिंग ऑफ कंटेंट एनालिटिकल डेटा विद एक्स्ट्रा मैसेज वेरिएबल्स मयड ऑन सोर्स रिसीवर चैनल और मैसेज कॉन्टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंटीग्रेटिव मॉडल ये कहता है कि जब आपने कंटेंट को एनालाइज करना है तो उसमें यह भी देखना है कि इसका सोर्स क्या है रिसीवर कौन है और ये क्या चैनल है यानी वेबसाइट है सोशल मीडिया है टेलीविजन है रेडियो है या प्रिंट मीडिया है uh, तो इसको लिंक करने के लिए देयर आर टू टाइप्स डाटा लिंकिंग और लॉजिकल लिंकिंग लेट्स सी व्हाट आर दो डेटा लिंकिंग इज इन विच एक्स्ट्रा मैसेज डाटा आर अवेलेबल

किस तरह डिलीवर किया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है यू ऑल नो दिस इंफॉर्मेशन तो आप फिर एक डेवलप करने की कोशिश करते हैं स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप के अच्छा इस सोर्स का क्या इम्पैक्ट है मैसेज के ऊपर जिसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड अदर रेलिवेंट वेरिएबल्स इंटरव्यूज विद पार्टिसिपेंट इन पार्लियामेंट्री हयरिंग्स की बात कर रहे हैं और इसको एनालाइज कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्स्ट एनालिसिस के साथ और एन ह्यूमन कोडिंग ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्कोर्स ड्यूरिंग द हेयरिंग तो हमारा मेथड क्या है कि या तो हम ह्यूमन कोडिंग की बात कर रहे हैं या फिर हम कंप्यूटर टेक्स्ट कोडिंग की बात कर रहे हैं मगर हम इस जो हमारे बैटम्स हैं उसको आउट करेंगे जो उनके मोटिवेशन हैं उन पार्लियामेंटेरियंस की और जो उनकी अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको स्टडी करेंगे एक और एग्जांपल है जैसे अन अप्रोसिव मेयरमेंट ऑफ जेंडर्स ऑफ दोज इन क्रिएटिंग कंट्रोल ऑफ फिल्म्स जो फिल्म्स बनती हैं उसमें जो जेंडर आइडेंटिटीज है कैसे रोल प्ले कर रही होती हैं जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हम लिंक करते हैं ह्यूमन कोडेड कंटेंट एनालिसिस ऑफ ऑफ फीमेल फोकस्ड फिल्म्स एंड करेक्टर्स विद इन यानी अगर एक मर्द फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है तो वो फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कितने पावरफुल बना रहा है और अगर एक औरत फिल्म प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसमें वुमन करेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है और कितना वुमन ओरिएंटेड फिल्म बना रही है तो ये हमें जो है अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फिल्म करेक्टर्स की तो उसमें हम जो डाटा अगर हमारे पास मौजूद हो फिल्म प्रोड्यूसर्स का कि उनके जेंडर्स क्या हैं उनकी अपनी ओरियंटेशन क्या हैं जेंडर आइडेंटिटीज के बारे में तो उससे हमें ये समझने में आसानी हो सकती है इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉजिकल लिंकिंग लॉजिकल लिंकिंग इज़ इन विच द रिसर्चर डिलीनिएट्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द कॉन्टेंट एनालिटिक एफर्ट्स एंड द एडिशनल रिसर्च फाइंडिंग्स

जैसे आप बात कर रहे हैं कंटेंट एनालिसिस ऑफ यूके टीवी न्यूज़ कवरेज ऑफ़ द 2003 इराक इन्वेजन की तो अब हम अगर इराक इन्वेजन की कवरेज की बात करते हैं ऑन बीबीसी या और जो दूसरे यू की टेलीविजन् तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनका हिस्टोरिकली वो इसको कैसे प्रजेंट करते रहे हैं थ्यूरी उसके बारे में क्या कहती है और जो उनके बारे में जो है प्रीवियस जो है आर्गूमेंट्स क्या हैं पर्टिकुलर जो वेस्टर्न मीडिया है जैसे उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन होता है कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार है तो जब भी कोई मुस्लिम करेक्टर्स होते हैं तो उनको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है तो ये एक लॉजिकल लिंक है एक थोरेटिकल लिंक है जो आपको समझने की लिए हेल्पफुल हो सकता है मैसेज को इसी तरह अगर मैं अगर बात करूं कंटेंट एनालिसिस ऑफ रीसेंट केसेस ऑफ अब्यूज की तो इसमें भी हमें डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर जो पास थ्योरी है और जो स्टडीज़ हुई हुई हैं वो समझने में मदद दे सकती हैं कि जो रिसेंट अब्यूज़ के केसेस हैं वो कैसे लिंक आउट हैं पास्ट अब्यूज़ के केसेस के साथ जैसे एक एग्ज़ाम्पल है रिसेंटली जैनम मर्डर केस जो कि के बहुत पॉपुलर हुआ अनफॉर्चुनेटली जिसमें वो जो बच्ची थी जैनम उसकी अब्यूज़ के बाद उसको जो है शिवो किल्ड बाय द प्रपैचुएटर तो ये कोई रिसेंटली कोई फिनिना मर्ज नहीं हुआ पाकिस्तानी सोसाइटी में चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज वॉज प्रेंट एंड इज प्रेंट इन पाकिस्तानी इन सोसाइटी फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड तो अब उसमें हमारे यहाँ क्या जो है थ्योरी क्या कहती है कि हम सेंसिटाइज नहीं करते लोगों को अबाउट चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ हमारी फैमिली में इसके ऊपर एजुकेट नहीं किया जाता हम बच्चों को एजुकेट नहीं करते अबाउट गुड टच एंड बैड टच तो उसकी वजह से वो ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं तो हम जब इंटीग्रेटिव मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हम जब मैसेज को स्टडी कर रहे हैं तो लॉजिकल लिंक क्या है कि हम थ्योरी की मदद से हेल्प ले सकते हैं कि वो मैसेज कंटेक्सुलाइज कैसे होता है